toda la noche, no nos queda. तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लास में। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आप देखे होंगे अपने किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट दो, स्टेट गवर्नमेंट दो, गाय भैंस मुर्गी बतख के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज ऐसा पढ़ाऊँगा कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी सब क्वेश्चन को। पर अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में देता रहता हूँ, ट्रिक बेस रहेगा। आज हम सीखेंगे कैसे बनाना है करके। और एक बात समझा दूँ मैं आप लोगों को कि टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए शर्मा कोचिंग क्लासेस का, जिससे आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी न्यू अपडेट के लिए। चालू करते हैं। क्वेश्चन पहला, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या कितनी है? 140 है। और इनके मस्तक को बोलेंगे सिर, की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? देखो, निकालना क्या है मेरे को इसमें, मुर्गियों की संख्या निकालना है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, वही चार ऑप्शन ही मुर्गियों की संख्या होगी। अब इसकी सेटिंग आप ये समझना, आप इसको एक्स वाई लेके बना सकते हो, पर अगर आप इसको सिंपल समझो कि मुर्गियों की संख्या निकालने, और ये ऑप्शन दिया है, मैं कोई भी ऑप्शन पिक कर रहा हूँ रेंडमली, जैसे मैंने ऑप्शन डी पिक कर लिया, 26 है। मतलब समझना कि टोटल सिर, भाई पूरी दुनिया में सबके एक ही सिर होते हैं, टोटल सिर 48 है। अगर मुर्गियाँ 26 में मान के चल रहा हूँ तो बाकी क्या होंगी, बाकी क्या होंगी समझना। ये गाय है और ये मुर्गी है, मैंने 26 क्या मान ली कि मुर्गियाँ हैं, कितना में 48 में 26 मुर्गियाँ हैं, तो बाकी 22 क्या होंगी, गाय होंगी ना भाई, निकालना मुर्गियां हैं। मैंने मान लिया कि 26 मुर्गियां हैं, तो 48 में से 26 मुर्गियां हैं, तो बाकी क्या होंगी, गाय होंगी ना भाई। 48 मुंडी है, जिसमें से 26 मुंडी मुर्गी का है, तो बाकी 22 मुंडी या सिर बोल लो, या आप उसको मस्तिष्क बोल लो, किसका होगा? एकदम लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि मेरे वीडियो को सब देखते हैं करके, 22 गाय का होगा। अब इसी को ना फुलफिल करना है कि इनके पैरों की संख्या 140 है। भाई गाय के होते हैं चार पैर, 4 से इंटू कर लीजिए, मुर्गी के होते हैं दो पैर, एक गाय के चार पैर, तो 22 गायों के कितने पैर हो जाएंगे, 88। एक मुर्गी के दो पैर, तो 26 मुर्गी के पैर कितने हो जाएंगे, 52। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 140 पैर आएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है इनके पैरों की संख्या 140 है, तो इनके पैरों की संख्या 140 हमने निकाल के दे दिया। समझ आया कॉन्सेप्ट? आप इसको और भी कई तरीकों से निकाल सकते हैं, जैसे कि कई लोगों को निकालना होगा इसको एक्स वाई मेथड से। तो यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखना कि आपने मुर्गी को माना एक्स, सॉरी गाय को माना एक्स, और वाई है मुर्गी। देखो यहाँ पर आपने गाय मान लिया और यहाँ पे आपने मुर्गी मान ली, ठीक है, जो जो आप बेसिक से करते हो। इनके इनके पैरों की संख्या, मतलब गाय के होते हैं चार पैर, वहीं मुर्गी के होते हैं दो पैर, टोटल 140 उसके पैर हो गए, गाय की एक मुंडी, मुर्गी की एक मुंडी, मतलब सर टोटल 48 हो गए। ऐसे बेसिक तरीके से लोग सॉल्व करते हैं। और इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसी प्रकार से यहाँ पे एक से इंटू करोगे, यहाँ से चार से इंटू करोगे, 4x 2y 140, 4x 4y 8 × 32 हासिल आई 3, 4 × 16 और 3 92। घटा दो यहाँ कने, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस 2y। अब 192 में 140 को घटाओ, तो रफ कर लो फटाक से, मैं कर रहा हूँ रफ कि 192 में 140 को घटाऊंगा तो 2 और ये बचेगा, हाँ ये आपका आ गया माइनस 52, ये कटा, 52 को 2 से भाग करोगे तो 26 क्या थी, मुर्गियाँ, तो कितने निकल गए 26। देखो ये है एक्स वाई मेथड से निकालने का तरीका, और ये है आपका ऑप्शन से निकालने का तरीका, जो आपको लगता है पिक कर लो। पर हर जगह ये बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि ऑप्शन मेथड सरल रहता है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी तो बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आराम समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, ओके।
तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो घोड़ा है ना, आपको जानवर संबंधित क्वेश्चन मैथ्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तरीके वही है, पर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ऑप्शन मेथड, जो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो आप समझना चीज़ों को कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, मतलब घोड़े भी इक्वल है और आदमी भी इक्वल है। आदमियों आदमी में से आधे घोड़े के जो स्वामी हैं अपने घोड़े की पीठ पर सवार है और शेष घोड़े के आगे से पकड़ के चल रहे हैं। आधे मतलब पीठ पे हैं और आधे चल रहे हैं। यदि भूमि में चलने वाले कदमों की संख्या 100 है तो उनमें से घोड़े कितने हैं, उनमें से घोड़े कितने हैं, ठीक है। देखो अगर इसकी सेटिंग आप करने जाओ एक्स वाई से बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। समझना, अगर मैं ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करता हूँ तो सवाल को कैसे बनाऊंगा। जैसे मैंने ऑप्शन, देखो उनमें से घोड़े कितने हैं, मतलब निकालना क्या घोड़े, तो ये चारों पांचों ऑप्शन घोड़ों का दिया है, मैंने ऑप्शन डी पिक किया। अब मैं क्वेश्चन के लाइन को सेट करूंगा, बस समझना लाइन को सेट कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो कि कुछ घोड़े उतनी ही संख्या में आदमी है, मतलब यहाँ पे आप समझना कि घोड़े और आदमी बराबर है कि नहीं, कुछ घोड़े उतनी ही संख्या में आदमी हैं, दोनों इक्वल है कि नहीं। मतलब अगर अपन समझ रहे कि उनमें से घोड़े कितने हैं और ये ऑप्शन घोड़े का है, मतलब 20 घोड़े हैं तो टोटल 20 क्या है, आदमी होंगे ना, कि कुछ घोड़े उतनी ही संख्या में आदमी हैं, ये वर्ड तो सेम है। अब लाइन क्लियर करते हैं, आदमियों में से आधे अपने घोड़े के पीठ पर सवार है, मतलब 20 में से 10 घोड़े चल रहे हैं है ना, और 10 आदमी उसके ऊपर बैठे हैं। भाई 20 आदमी है, लाइन क्या दिया है, आदमी आदमी आधे अपने घोड़े के ऊपर सवार है, 20 आदमी में से 10 आदमी नीचे चल रहे हैं और 10 आदमी घोड़े के ऊपर सवार है। अब घोड़ा किसी के ऊपर चढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि उसको कोई बैठा नहीं सकता ना, मतलब 20 के 20 घोड़े चल रहे हैं। चलने वाले कदम समझना, ये चलने वाले कदम बता रहा हूँ मैं आपको, चलने वाले कदम, भाई 10 20 में से 10 अपने घोड़े पे सवार है तो 10 आदमी चल रहे हैं और 20 के 20 घोड़े चल रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन दिया, यदि भूमि में चलने वाले कदमों की संख्या 100 है तो घोड़े कितने हैं। भाई मैंने ऑप्शन डी लिया ना, 20 घोड़े चल रहे हैं, एक घोड़े के चार पैर, तो 20 घोड़े के कितने हो जाए, सॉरी 20 घोड़े कितने हो जाएंगे, एक आदमी के दो पैर तो 10 आदमी कितने हो जाएंगे, मतलब ये हो गया 80 प्लस 20 और ये हो गया 100। तो चलने वाले कदम कितने निकल के आए, 100 आए, और यही आपके क्वेश्चन में भी दिया था। जब ये दोनों चीज़ मैच कर जाता है तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगर वीडियो सही लगा आपको तो बिल्कुल लाइक करेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन मेथड समझ आया तो एक्स वाई से बनाओगे बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक में आप सिर्फ जाके लिखना है आपको कि शर्मा कोचिंग क्लासेस, यहाँ से आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम में। बहुत अच्छा मैथ्स का क्वेश्चन था, क्लियर हुआ होगा तो अगला बताऊंगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तो हेलो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन मेथड से। अब कई लोगों के बीच आ रहा है सर हम कितने ऑप्शन एग्जाम में चेक करेंगे। देखो ये ऑप्शन चेक करना आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। देखो हमेशा हमेशा बी और सी चेक करना, अगर नहीं आया बैड लक, या तो ए या तो डी होगा आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन मेथड तब इस्तेमाल कर पाओगे कि आप में स्पीड आएगा, पर ऑप्शन मेथड से ये रहता है कि आपको फॉर्मूला या एक्स वेक्स मानने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इसको मैं करा रहा हूँ ऑप्शन, समझना कि ऊंट के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ में चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या है। भाई कुल ऊंट निकालने मतलब ये चार ऑप्शन में कुल ऊंट को ही निकालना है, मैंने ऑप्शन सी ले लिया, ठीक है। ऑप्शन सी को मैं इसमें बस प्रूफ कर दूंगा कि ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। देखो हम निकाल रहे हैं कि जंगल में कितना गया, मतलब 36 में से 1/4 जंगल में गया, मतलब कितने चले गए जंगल में, ठीक है। यहाँ पे झुंड बोला है, शेष नहीं बोला है, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ में चला गया, ठीक है। हम पहाड़ निकालते हैं, टोटल 36 है,
झुंड के वर्गमूल का, झुंड का वर्गमूल 6, इसका दुगना मतलब 12 पहाड़ में चला गया और शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। अब यहीं पे क्लियर कर लो, हमने 36 माना था, 9 जंगल में गया, 12 पहाड़ में गया, टोटल 21 चला गया। भाई 21 घटाओगे तो कितना आएगा, 15, जो कि नदी के किनारे देखा गया। तो आपका ऑप्शन सही है कि नहीं, ऐसे बनाना ज़्यादा आसान है आपका एक्स वाई मान के बनाना, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आज तीन ही मैथ्स बताऊँगा, पर ये मैथ तीनों मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दीजिए मेरे लिंक को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।